सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों, मुंह के छाले बहुत ही तकलीफ देह होते हैं। मुंह के अंदरूनी हिस्सों में जो छाले होते हैं, उनके कई कारण होते हैं। कई बार ये पेट साफ ना होने की वजह से, हार्मोनल संतुलन बिगड़ने की वजह से, चोट लग जाने से, पीरियड की वजह से तथा कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से उभर कर सामने आते हैं। हालांकि बाजार में इसे ठीक करने के लिए कई तरह की दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन कई बार इन दवाइयों का गलत असर भी हो जाता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप घरेलू उपाय अपनाएं। तो वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं, जरा विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, आप लहसुन का इस्तेमाल करके अपने मुंह के छालों से निजात पा सकते हैं। इसमें करना क्या है, 2 से 3 लहसुन की कलियां लेकर उनका एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाएं। लगाने के 15 मिनट बाद उसे धो लें। लहसुन में मौजूद एंटीबायोटिक गुण छालों को जल्दी ठीक करने में मदद करेंगे। ट्रीटी ऑयल के जरिए आप अपने छालों को ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जरा देख लीजिए। ट्रीटी ऑयल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। छालों के ऊपर इन्हें लगाने से बहुत जल्दी फायदा मिलता है। 1 दिन में 3 से 4 बार इसे प्रभावित जगह पर लगाने से आराम होगा। बर्फ के इस्तेमाल से कैसे ठीक होंगे, जरा देख लीजिए। छालों पर ठंडी चीज लगाने से बहुत जल्दी फायदा होता है, साथ ही ये दर्द और सूजन को भी कम करने का काम करता है। दोस्तों, दूध के प्रयोग से भी छालों को ठीक कर सकते हैं, जरा देख लीजिए। दूध में कैल्शियम मौजूद होता है, जो वायरस से लड़ने का काम करता है, साथ ही ये हीलिंग प्रोसेस में भी सक्रियता से भाग लेता है। ठंडे दूध में रुई भिगोकर प्रभावित जगह पर लगाने से फायदा होगा। दोस्तों, एलोवेरा से भी राहत मिलेगी, आप देख लीजिए। एलोवेरा के इस्तेमाल से प्रभावित जगह की जलन कम हो जाती है, साथ ही एलोवेरा के मौजूद रासायनिक पदार्थ जख्म को जल्दी भरने का काम करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।